दो दो लोगों को एक साथ जलाना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं बचेगा। योगी जी फिर लालदेव अस्पताल ने 10 बेड का मेटरनम आईसीयू फिर न्यू पीडियाट्रिक हॉस्पिटल बेमिना में 12 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू जीएमटी अनंतनाग में 12 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और जीएमटी बारामूला में 10 बेड का मेटरनल आईसीयू जीएमटी बारामूला में 10 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 24 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल में 10 बेड का मेटरनल आईसीयू 11 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 24 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू और 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। इसके बाद जम्मू डिवीजन में एसएमडीएस हॉस्पिटल में 30 बेड का मेटरनल आईसीयू गांधीनगर हॉस्पिटल में 8 बेड का मेटरनल आईसीयू और 10 बेड का पीडियाट्रिक हाइब्रिड आईसीयू। इसके बाद स्पेशल यू वांट है यूनिट्स नीकू पीकू बीपी आयरन पॉली आयरन सप्लीमेंटेशन नेशनल लीवर इंटेक जैसे विभिन्न योजनाएं हमारे बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर रही हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर यूटी का आया था इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। या फॉर द ऑफिशियल वेलकम एड्रेस आई वुड रिक्वेस्ट मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर पार्टनर कोहली जी सर हमारे साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि मेजर जनरल डॉक्टर अतुल कोतवाल से विशेषज्ञ और वक्ता और हमारे अपने मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरेट और जिलों से आए हुए सहभागी। मैं आप सबका फर्स्ट जेके एमसीएच कॉन्क्लेव या माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश श्री मनोज सिन्हा जी सर चीफ गेस्ट ऑफ द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी टू काइंडली लाइक द मुझे उम्मीद है कि देश विदेश से आए हुए सभी मेहमानों का ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी श्रीनगर में जो प्रवास होगा वो सुखद रहेगा और इस दो दिवसीय परिचर्चा में इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक कार्यनीतियों का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ के जिन सुविधाओं का उद्घाटन हुआ है उसके लिए सभी नागरिकों एवं नेशनल हेल्थ मिशन वो भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई हैं। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि माँ और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जो 7 पैरामीटर्स हैं जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन पिछले 2-3 सालों में नेशनल एवरेज से बहुत बेहतर रहा है। कुछ का जिक्र हुआ है, ये संतोष की बात है कि हेल्थ एवं प्रशासनिक तंत्र से जुड़े सभी लोगों के व्यवस्थित प्रयासों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता मिली है और कोशिश की गई है कि सर्वोत्तम स्वास्थ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। एक बात हमें बराबर ध्यान में रखनी होगी कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ
और मेडिकल एजुकेशन का बजट कितना है। आप में से अधिकांश लोगों को पता है, मैं केवल एक तथ्य कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आबादी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा आबादी है हरियाणा की और लगभग इतनी ही आबादी है केरला की। केरल की बहुत चर्चा होती है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। अगर इन दोनों राज्यों से आप तुलना करेंगे हमारे बजट की तो मोटे तौर पर 1 से 14 करोड़ कम है और दूसरे से 17 करोड़ कम है। अगर पर कैपिटा एलोकेशन आप देखेंगे तो केरल और हरियाणा की तुलना में जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हमने किया हुआ है। एक बड़ा कारण है और ये हमारी प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है कि सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रशासन की प्रतिबद्धता क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहले जम्मू कश्मीर में नवजात शिशु मृत्यु दर, जिसका जिक्र भी यासीन साहब ने किया था, 23.1 थी। अब यह घटकर के सिंगल डिजिट 9.8 पर आ गई है। ये भी हमारे लिए संतोष का विषय नहीं, अभी इस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। अभी नेशनल एवरेज 24.9 है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर पहले 32.4 था, आज ये घट करके लगभग आधा हो गया, 16.3। अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे तो ये 35.2 है। जम्मू कश्मीर में पहले अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट 37.6 था, जो आज घटकर 18.5 रह गया है। इसमें भी अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो ये 41.9 है। जम्मू कश्मीर में इंस्टीट्यूशनल बर्थ 92.4% है, जबकि नेशनल एवरेज 88.6% है। 12 से 23 महीने के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत भी हमारे यहाँ 96.5% है, जबकि नेशनल एवरेज 76.3 है। और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बदौलत जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, आयु संभावित जिसे कहते हैं, वो 74 साल 74 ईयर्स हो गई है, जबकि नेशनल एवरेज 69.27 है। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा था कि ये साक्ष्य बताते हैं कि बहुत हद तक स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को खत्म करने में हमने काफ़ी हद तक सफलता पाई है और आज अधिकांश आबादी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले 3 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए रोकथाम एवं उपचार, उपयुक्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग और स्वास्थ्य रक्षा की विकेंद्रीकृत कार्यप्रणाली को सशक्त बनाते हुए न सिर्फ हमने वैश्विक महामारी कोरोना से सुचारू रूप से निपटने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य निगरानी के संस्थागत तंत्र को भी मजबूत किया है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि देश की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैटर्नल तथा चाइल्ड हेल्थ के लिए उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए पिछले 7-8 वर्षों में बहुत ही सराहनीय और बड़े कदम उठाए हैं और मैं मानता हूं कि उनके प्रयासों का यह नतीजा है कि 7 दशक तक, अभी जिक्र हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने किया, जम्मू कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज और पिछले 8 सालों में 7 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए, उधमपुर और हंदवाड़ा भी इस साल फंक्शनल हो जाएंगे, 2 एम्स, 1 जम्मू 1 श्रीनगर, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, अनेक इस तरह के संस्थान जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अभी जिक्र हुआ 129 हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारे पास थे 70 सालों में हम स्थापित कर पाए थे, लेकिन 2 साल की अवधि में 2209
हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्थापित करने में हमें सफलता मिली है, जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए सरकार की ओर से मिला है। जम्मू कश्मीर के चंद जिले ऐसे थे जहां डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, कुछ ही जगह पर थी, आज हर जिले पर उपलब्ध है। और एक साल के अंदर लगभग 28,000 डायलिसिस सेशंस जरूरतमंदों को प्रदान करने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। मित्रों, मैटरनल तथा चाइल्ड हेल्थ केयर के क्षेत्र के कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं। हमने माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की है, लेकिन मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि बहुत सी चुनौतियाँ अभी हमारे सामने हैं। बहुत से दूर दराज और ख़ासतौर से ग्रामीण इलाकों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हमने अपेक्षित प्रगति की कोशिश की है। 31,000 से ज़्यादा स्मार्टफोन आधारित पोषण ट्रैकर, 28,000 से ज़्यादा मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराकर बच्चों और माताओं के पोषण का ध्यान रखा जा रहा है। इट अ प्रिविलेज टू बी हियर ऑन दिस मदर एंड चाइल्ड सिंपोजियम दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। एज वी हैव सीन द जेके मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडिंग एंड द एफर्ट इज टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज एंड देयर हैज बीन ऑफ लेट अ क्वांटम जंप in the facilities and the infrastructure that is being provided. Efforts are being made to provide specialist services right up to the field level, including critical care. We have seen the results as have just been announced, and I would like to congratulate everybody in the health department for their efforts to achieve that. As we are aware, we were through one of the worst pandemics that this century has seen. And I would again like to congratulate the health department and the medical health department and everybody, all health service providers, for being able to deal with the pandemic and to be able to provide services even in the worst of times. It is also very commendable that all these indicators, there has been an improvement in spite of the efforts that have gone into providing services during the pandemic. So I think everybody here deserves a big hand. As has already been pointed out, that ours is the first UT which has given universal health coverage. And it's time to celebrate that. एक तो ये था कि कोविड के जो मैनेजमेंट जम्मू कश्मीर में रही है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिस वक्त देश के बाकी हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, जम्मू कश्मीर में 2020 से लेकर के आज तक कभी किसी को बेड डिनाई नहीं किया गया, कभी किसी को ऑक्सीजन डिनाइल नहीं हुआ। तो एक ऐसे वक्त में जब देश के बहुत सारे हिस्सों में परेशानियां थीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और उस वक्त जो पेशेंट्स की दामेदारी होनी चाहिए थी वो हुई। उस वक्त के लिए जो काम किया गया है, मेरे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी ऐसा ही काम चलता रहेगा। दूसरी सक्सेस स्टोरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने अचीव करी कि जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा जगह है जहाँ पे सभी लोग 5,00,000 के इंश्योरेंस में कवर्ड हैं PMJAY सेहत के अंदर। देश में कोई और राज्य या UT नहीं है जहाँ पर ऐसी व्यवस्था है। एक तीसरी बात कहना चाहूँगा, जेरियाट्रिक वार्ड 20 जिलों में एक महीने के अंदर रोल आउट हुए थे। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश में ऐसा कोई हिस्ट्री है जहाँ पे एक महीने के अंदर सभी 20 के 20 जिले कवर कर दिए गए हों और 20 जेरियाट्रिक वार्ड 20 एक महीने के अंदर पूरे करके इस्टेब्लिश कर दिए गए। आज भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुत सारे वार्ड इस्टेब्लिश हुए हैं, बट दीज आर सम सक्सेस स्टोरीज। मैं एक और भी मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पे आएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि एक वक्त में डॉक्टर साइमा रशीद यहाँ बैठी हैं, इनके हॉस्पिटल में गया था कुछ दिन पहले, एक साल पहले लगभग, और मैंने बोला कि ये हॉस्पिटल इतना गंदा क्यों है, इतना जंग क्यों पड़ा है, और आज देखने में अच्छा लगता है कि वो हॉस्पिटल साफ सुथरा हो चुका है। वहाँ पर 25-30 सालों से उसका जंग पड़ा हुआ था, आज के दिन में साफ सुथरा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि कुछ बिंदुओं पे हम लोग
देश में अग्रणी स्थान हासिल करेंगे और मनोज जी आपसे उम्मीद है कि आप इनको पूरा करेंगे। एक हम लोगों ने शुरू किया था क्वालिटी सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम और हम लोग ये दिमाग में था कि सभी हॉस्पिटल्स चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों सभी क्वालिटी सर्टिफिकेशन उनके होनी चाहिए। आज आपने 8 दिए हैं पर हम लोग के दिल में था कि ये सभी के सभी हॉस्पिटल को सर्टिफिकेशन किया जाए। जैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिटी की पॉलिसी लगी होती है हर एक हॉस्पिटल में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसकी क्वालिटी पॉलिसी बिल्कुल सामने से बता देनी चाहिए ताकि किसी को तकलीफ नहीं हो कि हम किस स्टैंडर्ड को अचीव करना चाहते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे अक्सर एक रेफरल की व्यवस्था रही है कि हम PGI चंडीगढ़ जाएंगे एम्स जाएंगे। अब होना यह चाहिए कि दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर आएँ कि मुझे जम्मू कश्मीर रेफर कर दो, उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मानक रखे गए हैं वो हम उस मानक से ऑलरेडी ऊपर हैं। 7,000 करोड़ से ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा रही है, 2 नए एम्स बन रहे हैं, एक के क्लासेस स्टार्ट होंगे दूसरे के स्टार्ट होने वाली है साल, 7 नए मेडिकल कॉलेज बने, 10 नए नर्सिंग कॉलेजेस बने, 5 अपग्रेड किए गए। आप जिस तरह से भी देखो कोई कमी छोड़ी नहीं गई है लेकिन एक कुछ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि क्वालिटी हमें होनी चाहिए, क्लीन हॉस्पिटल्स होने चाहिए और उसकी शुरुआत हो चुकी है और किसी भी हॉस्पिटल में जंक नहीं होना चाहिए। मिस्टर अतुल कोतवाल हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव मेनी डिग्निटरीज हियर, द डायरेक्टर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वेरियस HODs, डायरेक्टर स्किम्स, वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, we have lot of professionals from outside JNK who are also participating in this conclave. I am really honored to be here with you to share, first of all to share the dais with a great visionary like Manoj Sinha sir who has been guiding us and leading us from the front, and very thorough professionals like Bhatnagar sahab and Mehta sahab under whose guidance we have been delivering. The success stories are not created overnight. There is a lot of effort which goes into making them, continuous efforts, teamwork, and a lot of planning led by the visionaries like we have on our dais is required to create such success stories. And I must say that health and medical education department, despite its challenges, despite COVID, which we have witnessed in last couple of years, I think the department itself with its various wings, with the expansion that is taking place, with the new dimensions which are being added to the department, it itself is a big success story and definitely deserves a big applause from everybody here. I must first of all compliment the entire Mission Directorate of NHM who have been working hard, and I would compliment them for this very important subject to be brought to the forefront, maternity and child health care. I have memories of having served as administrative secretary of this department in 2012, and recently when I took over this department I found that the department has gone through massive change. A lot of expansion has happened. Health parameters have definitely improved, health indicators have improved. We have many new medical colleges now coming up. The budget of the department has multiplied, and I think post-COVID, everybody, every health professional, every planning personnel, every bureaucrat, every political leader, they have been massively sensitized to the importance of healthcare in developing a strong nation. की निरंतर नित्यता को अभिनंदित करता है और हमारे भविष्य को कार्यान्वित और मूर्त स्वरूप बनाता है। यदि हम अपनी गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों की नर क्षमता सुनिश्चित नहीं कर पाए तो हम अपनी आगामी पीढ़ियों की गणना खतरे में डाल रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में और मेरे भारत सरकार से आए हुए सहयोगी इस पे सहमत होंगे कि बच्चा जच्चा सेवाएं आज भी समुदाय स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ के दृष्टिकोण का सबसे प्रमुख अंग माना जाता है, परंतु आधुनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में जच्चा बचाओ क्षेत्र कार्य प्रथा पे निरंतर ध्यान बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि कोविड जैसे नए रोग आएंगे और जाएंगे, पर हर दिन करोड़ों महिलाएं नवजातों को जन्म देती हैं और देती रही हैं। ये मानव जीवन का मूलभूत अनंत सत्य है। इसी भाव से हम इस चिंतन शिविर के माध्यम से पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को आमंत्रित करके इस उपक्षेत्र के चिंताजनक विषयों पर मंथन करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर